मोहम्मद उमरा करके आ गए हैं। उमरा मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सभी चीजें मिला दी हैं, अभी इसको मिक्स करते हैं। तो अपना कबाब बन रहा है, देख के बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट। गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है, अभी रात के बज रहे हैं 1:30। मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, मैडम का फ़ोन आया सगल से, यार मेरी फट गई, लिटरली फट गई। मैंने कहा कहाँ जाएंगे आप, और गाड़ी बैठी, मैंने बोला बहन, बोली कि चलो बंदरी, मतलब इनकी एक बहन है बंदरी, अरे भाई सुहेल भाई जो है उनकी मैडम का नाम बंदरी है, तो यहाँ से वो 50-55 किलोमीटर दूर है, बताया था आप लोग को। मैं जान गया था ट्रैफिक तो मिलेगा, यहाँ से 8 किलोमीटर पे एक एग्ज़िट है, वो यू टर्न, यहाँ से अगर आप हाईवे पे चढ़ोगे 8 किलोमीटर बाद ही एक एग्ज़िट है, तो वहाँ तक पहुँचने में हमको 1 घंटे लग गए, 8 किलोमीटर, इतना गंदा वाला ट्रैफिक था। उसके बाद मतलब वो एग्जिट के पहले इसने बोल दिया कि यू टर्न मारो चलो घर वापस क्योंकि भाई साहब 8 किलोमीटर पहुंचने में 1 घंटे लग गए, और 50 किलोमीटर जा रहे हैं पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई, जैसे इसने बोला था कि यू टर्न मारो और चलो घर भाई अंदर से हंस रहा यार थोड़ा तो आराम कर लो, तुम भी कर लो हम भी कर लें, साला 2 दिन से घर से बाहर रहे, ना ठीक से सोना ना ठीक से खाना, क्या बोलेंगे यार, ये होती है ड्राइवर लाइफ सऊदी अरेबिया में। हाँ यार सच में, जब इन्होंने बोला ना सिग्नल से यार, तो मुझे दो जगह डाउट लगा, एक यहाँ पर है एग्जिट 2 पे मैडम की बहन है, और दूसरी वहाँ पर, दो जगह जा जाती हैं। मैंने बोला यहाँ जाएंगी, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था अभी थोड़ी देर पिछले ब्लॉग में, वो थुमामा रोड जहाँ पर मैं वो स्वीट लेने गया था, उधर कितना ट्रैफिक था। मैंने कहा अगर जाएंगी उधर तो वहाँ भी फंसेंगी, अगर इधर जाएँ तो यहाँ पर तो और तगड़ा फंसेंगी, और वैसे ही हुआ। अल्लाह का शुक्र है यार कि वापस आ गई, वरना नींद भी ठीक से नहीं होती, ऊपर से टेंशन भी लगी रहती कब फ़ोन आ जाएगा, नींद में गाड़ी चलाओ ये करो वो करो। अब वीडियो एडिट नहीं, वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ठीक है मिलते हैं सुबह, अब क्या बोलेंगे, बहुत रात हो गई है। सिलेंडर चेंज करने के लिए आए हैं, ये सिलेंडर जो है लोहे वाले हैं, अभी रिटर्न करके इसको प्लास्टिक वाले लेंगे, ये बहुत भारी होता है खाली भी, वो एकदम हल्का होता है 5 किलो का होता है प्लास्टिक वाला खाली में, तो चेंज करने जा रहे हैं, 500 रियाल का एक्सचेंज होगा। ये वाले लिया है, बहुत हल्के हैं यार ये वाला सिलेंडर लिया, वाकई में इतना हल्का है, इतना हल्का है कि एक हाथ से उठा फेंक सकते हो उसको, मतलब फुल, ऐसा नहीं फुल नहीं है, मैंने उसका खाली सिलेंडर उठाया, मैं जो लोहे वाला सिलेंडर है फुल सिलेंडर, वो जो लोहे वाला सिलेंडर है खाली अगर 20 किलो का है तो ये भरा 20 किलो का है। तो अभी हम कफील के साथ अपने दौरे पे निकले हुए हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, तो अभी जो सिलेंडर लिया था वो सिलेंडर ना कुछ 440 रियाल का एक सिलेंडर था नया, तो 2 सिलेंडर लिए हो गया 480 रियाल का, जो पुराने सिलेंडर थे उनको चेंज किया 200 रियाल माइनस हुआ उसका, तो 460 रियाल। लेकिन इतना लाइट वेट सिलेंडर है, आज तक मैंने इतना लाइट वेट सिलेंडर नहीं देखा, ये जो यहाँ पे जो सिलेंडर रहता है अपने सिलेंडर से हल्का ही है, जो अपने वहाँ सिलेंडर चलता लाल वाला उससे हल्का सिलेंडर ही है, लेकिन इससे भी हल्का वो प्लास्टिक वाला सिलेंडर है, जबकि भरा हुआ हल्का है, मतलब अगर हम ऐसे वेट करेंगे ना तो 20 किलो का अगर लोहे वाला खाली होगा तो 20-21 किलो का ये भरा होगा सिलेंडर के साथ, मानना पड़ेगा वो सच में। सिलेंडर गैस कुछ आती है 14-14 किलो आती होगी, आपने यहाँ तो इतनी आती, इसमें कितनी आती मालूम नहीं है। ठीक है अभी ये गए हैं कहीं पर, मोबाइल कुछ काम है इनको, लेते ही तेल निकलते हैं, मोबाइल सिम वगैरह क्या बोल रहे थे देखते हैं। तो गाइस वहाँ से निकलने के बाद अभी फिर आए हैं
अभी जहाँ कल मैं आया था आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कुनाफा लेने के लिए, तो वहाँ पर फिर आए हैं कुनाफा लेने के लिए। तो घर से लगभग 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। अभी गए बाबा अंदर, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। बहुत भीड़ होती है यार यहाँ पर, बहुत ही मतलब फेमस दुकान है हबीबा अल हज महमूद हबीबा एंड सन्स, हबीबा कुनाफा के नाम से बोलते हैं इसको। तो दोस्तों अभी रूम पर पहुँच गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया, बहुत जगह 3-4-5 जगह जाना पड़ा, घूमते घूमते थक गए। अभी नज़दीक नज़दीक हो तो कहा जाए कोई 5 किलोमीटर दूर, कोई 8 किलोमीटर दूर। तो अभी आगे चलते खाना बनाते हैं। और खाने में आज बना रहे हैं कबाब, तो मैंने अभी दाल उबाल के रख ली थी, दाल और साथ में चिकन है, तो उसको भी पीस लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी दाल पीस गई है और आप ये देख सकते हैं ये जो है कि वो चिकन है, तो मैंने आधा चिकन को पीस दिया है और आधा चिकन जो है उसका रेशा निकाल लिया है। तो ये जो रेशा है ना वो थोड़ा दांत में लगेगा तो अच्छा लगेगा, और जो पीसा हुआ है वो तो दाल बन गई दाल के साथ। तो अभी इसमें देख सकते हैं नीचे दाल है ऊपर चिकन है, इसमें डालेंगे मैंने एक कबाब का मसाला पीसा है उसको डालेंगे, और प्याज छोटी छोटी चॉप करके डालेंगे, और धनिया डालेंगे, मिर्चा डालेंगे हरी, तो उसके बाद डाल के उसके बाद थोड़ा मिला के नमक वगैरह चेक करेंगे, अगर ठीक है तो ठीक है वरना नमक वगैरह डाल देंगे। तो अभी इसमें डालते हैं गरम मसाला जो मैंने पीसा हुआ है स्पेशल कबाब के लिए, उसके बाद डालेंगे धनिया और मिर्चा, और हरी धनिया हरी मिर्चा और चॉप प्याज। तो अभी सभी चीज़ें मिला दी हैं, अभी इसको मिक्स करते हैं। तो अभी अपना कबाब तैयार है, देख सकते हैं कलर एकदम चेंज हो गया मसाला वगैरह डालने के बाद। इसको भी फ्राई करते हैं 1-2 कबाब, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अपना कबाब बन रहा है, एक्चुअली रूम एकदम बंद है ना, तो धुआं होता है तो खांसी आती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कबाब कैसा लग रहा है आप लोग को देखने में। खाने में तो मैंने टेस्ट कर देख लिया है, खाने में अच्छा है, लेकिन ऐसे बताइए कैसा लग रहा है। दोस्तों भी आए थे हम जबादी लेने के लिए, जबादी बोले तो दही, दही को यहाँ पे जबादी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे योगर्ट, बाकी यहाँ पर जबादी बोलते हैं। एक बार मुझसे बोला जबादी लेके, मेरे को लगा चपाती लेके आओ, फिर सब चपाती, ये लोग चपाती जानते हैं, लेकिन जो लच्छे वाला पराठा होता है ना उसको ये लोग चपाती बोलते हैं। तो अगर ये लोग चपाती बोले तो लच्छे वाला पराठा लेके जाओ, चलते हैं लेके। दोस्तों अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग आप जाकर देखें, बहुत ही तगड़ा व्लॉग बना था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ पिछले वाला व्लॉग देखे जाके, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। गाड़ी पंचर हो गई क्योंकि हवा निकल रही, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, धीरे धीरे हवा कम हो रही है, पंचर हो गई लग रहा गाड़ी। और अभी रात के हो रहे हैं लगभग 9:30 बज रहे हैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं अभी जा रहा था गाड़ी धुलने के लिए, काफ़ी दिन से गाड़ी नहीं धुली यार, लगभग 10 से 15 दिन हो गए गाड़ी नहीं धुली अभी, तो चलते हैं गाड़ी धुलते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये डिटेल उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे बोलते भाई वीज़ा दे दो। तो अगर आप ड्राइविंग में जाना चाहते हैं तो ड्राइविंग के अभी 2 जगह के वीज़े आए हैं, एक है कतर का और एक है जिद्दा का सऊदी अरेबिया का।
तो यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, ये हाउस ड्राइविंग का भी वीज़ा है और डिलीवरी बॉय का भी वीज़ा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग हाउस ड्राइविंग में ही क्यों भाग रहे हैं। आप लोग जानते हैं कफील अच्छा नहीं मिलता है तो फिर आपका ही लॉस है। आप लोग ये मत देखिए, आपको आप सिर्फ ये देखिए कि ड्राइविंग होनी चाहिए। मुझे तो लगता है डिलीवरी बॉय का वीज़ा सबसे बेस्ट है। उसकी वजह यह है कि आपको एक टाइम मिलेगा 12 घंटे 14 घंटे का, उसमें ही आपको ड्यूटी करनी है, उसके ऊपर नहीं जाना ना ही उसके नीचे आना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों में बस यही समझाना चाहता हूँ कि यार आप ये मत सोचे कि हाउस ड्राइवर में ही जाना है। हाउस ड्राइवर के अलावा भी जो वीज़े हैं ना, बहुत ही अच्छे वीज़े हैं। हाउस ड्राइवर में क्या होता है, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो आपको ख़राब कफील मिलेगा, मतलब कि अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो आपको अच्छा कफील मिलेगा, वरना ज़्यादातर आप लोग जानते हैं यहाँ पर किचपिच वाले मगजमारी वाले लोग मिलते हैं। तो इससे अच्छा यार कोई ऐसा काम लो जिसमें आपको ड्यूटी भी टाइम टू टाइम मिले। हाउस ड्राइविंग में 24/7 ड्यूटी होती है, उसमें जाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल छुट्टियां होती वो भी मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं तो डिलीवरी बॉय में जाइए, आप ज़्यादा बेटर है उसमें। आपको 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करनी है उतनी ही करनी है, बाकी आपको आराम करने को मिलेगा। हाउस ड्राइवर में क्या है, आपने अभी 2 दिन पहले देखा, 2 दिन में कंटिन्यूसली घर से बाहर था, ना खाने से मतलब ना पीने से मतलब। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो हाउस ड्राइवर में चले जाइए, नहीं तो फिर डिलीवरी बॉय में चले जाइए, जैसा आप लोगों को सही लगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो डिलीवरी बॉय बेस्ट है, लेकिन आपको आपको अगर सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है तो हाउस ड्राइवर का अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आए हुए वीज़े इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको वीज़ा का डिटेल मिल जाएगा। मालदीव का वीज़ा आया हुआ है क्लीनिंग का, रिजॉर्ट की क्लीनिंग का, और हाउस ड्राइविंग का वीज़ा आया हुआ है, प्लस सऊदी अरेबिया का वीज़ा आया हुआ। अगर कोई चिकन कटिंग में जाना चाहता है तो जा सकता है, मतलब कि गोश्त का काम है, चिकन की कटिंग करना है। अगर कोई है कसाई जाना चाहता है तो जा सकता है। यार कोई काम बुरा नहीं होता है, आने के बाद घर से बाहर निकलने के बाद सिर्फ 2 चीज़ याद होना चाहिए, पैसा पैसा पैसा, ना आपको देखना है दिन ना आपको देखना है रात, बस ड्यूटी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, अच्छी ड्यूटी होनी चाहिए, प्लस अच्छा पैसा होना चाहिए। कितने किस टाइम पर ड्यूटी लग रही, रात में लग रही, दोपहर में लग रही, बात की बात है। रात में लगेगी दोपहर में छुट्टी है, दोपहर में लगेगी तो रात छुट्टी है। तो चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, जाओ चलते हैं, गाड़ी धुल लेते हैं, बहुत दिन से नहीं धुला है। अभी टाइम हो गया है 10:30 और मैं भी जा रहा हूँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की लोकेशन मुझे मिली है, अब वहाँ पर क्या है मुझे नहीं मालूम है, तो पहुँच के ही आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। चलते हैं, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी धुल के एकदम आज एकदम मन से गाड़ी धुला है, एकदम चकचकवा दिए है, एकदम अगर तुम साथ हो तेरी नजरों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में नाराजी, तुझे लगता है कि बातें दिल की होती लबों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द से जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। ये मैरिज हॉल है, गो टू लेफ्ट फ्रॉम दिस सर्कल, ये आगे आगे दमाम रोड। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। अच्छा पिज्जा लेने मंगाया है,
पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा ये है मेन्यू पिज़्ज़ा। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा वो देखा जाता है फुटबॉल, यहाँ का क्रेज़ है फुटबॉल में, यहाँ फुटबॉल देखने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तो ले लिया है ये शॉप है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इनको इसको जानते होंगे। बहुत बड़े बड़े बॉक्स हैं। तो दो पिज़्ज़े हैं, ये है पास्ता, और ये हर्फी के पीछे इस साइड में है, दम्माम रोड से आना पड़ता है अंदर। ये बाकी ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो जानते होंगे ये क्या है कहाँ है। और अभी मेरी गाड़ी की घड़ी पता नहीं क्यों पीछे चल रही है, मैं सही कर रहा हूँ फिर पीछे हो जा रही बार बार। छोटी रोडें ऐसी होती हैं, ये हाईवे नहीं है, ये गलियों की रोडें हैं। एक होती है ये गली, एक होती इससे छोटी गली, जहाँ पर ये डिवाइडर नहीं होता है, वो वन मतलब आने वाला जाने वाला एक ही में ही होता है। थोड़ा हिंदी में समझाना पड़ता है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। उसमें टू लेन नहीं होती, सिर्फ सिंगल लेन होती है, जाने के लिए भी एक आने के लिए भी एक। और इसमें देख सकते हैं इसमें तीन लेन है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले पर कभी मत चलना, अगर चल भी रहे हो तो स्लो चलना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है लोग बाइक आते हैं ना, तो तेज चलने में आप मतलब वो नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये दो लेन में चलें 80 तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ब्रेकर ही बहुत होते हैं अंदर। यहां से जाएंगे अपन लेफ्ट, यहां से जाएंगे राइट। बिना लोकेशन जा रहा हूँ, मेरे को याद है सारी रोडें, क्योंकि मेरा आदत है मैं अगर खाली होता ना मैं किसी भी रोड से घुसता हूँ, इसलिए अल्लाह के रहम करने से मैं रोड दिमाग में चढ़ जाती है मेरे। आप लोग से भी मतलब कि अगर आप लोग को रोडें जाननी है, तो अगर आप अकेले हो और कहीं से वापिस आ रहे हो तो रोडें किसी भी रोड से घुस जाओ, और नहीं समझ में आया तो उसके बाद लोकेशन चालू कर लो। बस इतना याद रखो कि ये रोड किधर जा रही है। बस मदरसा देखिए कितने बड़ा है, कितना बड़ा मदरसा है देखना अभी आप लोग। ये प्राइवेट मदरसा है, ये स्कूल है, मदरसा नहीं बोलेंगे इसको। हाँ ये है कि अरबी पढ़ाई जाती है, लेकिन स्कूल है ये प्राइवेट। पहले यहाँ पर क्या होता था, इतना बड़ा मदरसा है ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। आगे सिग्नल है, यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, सीधा भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे जल्दी। एक प्यार का नगमा है, होठों पे रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। यार पुराने गाने क्या गाने होते थे, मुझे ऐसा वो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे लगता मेरे अलावा शायद कोई ऐसा होगा, किसी भी टाइप का मुझे गाना दे दो, मुझे सारे गाने पसंद है, सिर्फ भोजपुरी गाना छोड़ के। भोजपुरी और हरियाणवी मैं कभी नहीं सुनता, भोजपुरी मुझे पसंद नहीं है, हरियाणवी तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मतलब जल्दी सुनता ही नहीं हूँ, तो भोजपुरी मुझे पसंद नहीं है। बाकी तुम रैप सॉन्ग दे दो,
पॉप सॉन्ग दे दो और लव सॉन्ग दे दो, सैड सॉन्ग दे दो और ओल्ड सॉन्ग दे दो, और मोहम्मद रफ़ी का तो मैं फैन हूँ। ईयरफोन लगा के चलता रहे, मैं घर पे था, मेरे पास एलेक्सा था, रात में एलेक्सा ये वाला गाना लगाओ, हुक्का जला के एकदम पुराने वाले गाने चलते रहते थे। अभी यहाँ पर सब छूट गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है यार, जिम्मेदारियों के आगे सब छोड़ना पड़ता है। तो ऑल राइट गाइस, दोस्तों भी मैं आया था मोहम्मद को लेने के लिए, मोहम्मद अभी तक गया था, मैं आप लोग को बताया था पहले व्लॉग में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा था उनको नहीं मालूम होगा मोहम्मद कहाँ गया था। मोहम्मद गया था उमरा करने के लिए, तो अभी वो आया है, उसने कॉल किया है, कम मतलब मुझे लेने के लिए आओ, क्योंकि जो गया था मदरसे की स्कूल की ट्रिप थी तो उससे गया था। तो अभी मैं यहाँ आया था लेकिन अभी बस आई नहीं है, तो अभी इब्राहिम का फ़ोन आया है, कम मैं तुम्हारे साथ चलूँगा रिसीव करने के लिए। मोहम्मद उमरा करके आ गए हैं, उमरा मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। طيب ما في तो ये आबे जमजम है, मोहम्मद उमरा करके आ गए हैं। इस बस से आए थे, बस से उतरने के बाद एक गुलाब का फूल दिया गया है। तो गाइस अभी ये मोहम्मद को लेके आ गए हैं, घर पे छोड़ दिया है, सारा सामान उतार दिया है, तो ठीक है वीडियो को एंड करते हैं। और क्योंकि अब कल से मदरसा चालू है, आज सैटरडे है, अभी 2 मिनट बाद संडे हो जाएगा, 12 बज गया है, 2 मिनट बाकी है, हो सकता है वीडियो बनाते बनाते हो जाएगा 2 मिनट, तो ठीक है वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, नए तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ बोलनी थी, अगर आप लोगों को सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि 2 वीज़े आए हुए हैं, अगर आप लोग को चाहिए, 2 नहीं है, हाँ कुवैत का है, कतर का है, सऊदी अरेबिया का है, एक डिलीवरी बॉय का है, मतलब डिलीवरी बॉय के वीज़े हैं और हाउस ड्राइविंग के वीज़े हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो ठीक है आगे बात कर लीजिए। और एक वीज़ा जो है वो बुचर का है, कसाई का, चिकन काटना है, अगर आप लोग को पसंद है तो आके मिल सकते हैं।